नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में चुनाव की पहली गाज, एसपी हमीरपुर बदले, 4 महीने बाद ही जिला से बटालियन भेजा। हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद प्रशासनिक तौर पर पहली गाज गिर गई है। राज्य सरकार की ओर से चुनाव आचार संहिता हटने के अगले दिन ही एसपी हमीरपुर का तबादला कर दिया गया है। वर्ष 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी पदम चंद फरवरी महीने में हमीरपुर में एसपी के पद पर आए थे, लेकिन 4 महीनों के भीतर उनका तबादला हो गया है। इन्हें थर्ड आईआरबी फंडो से कमांडेंट के पद पर भेजा गया है, जबकि थर्ड आईआरबी फंडो के कमांडेंट भगत सिंह को अब एसपी हमीरपुर लगाया गया है। भगत सिंह के पास आईआरबी के साथ एसपी विजिलेंस मंडी सेंट्रल रेंज का चार्ज भी था। ये कार्यभार अब किसी और अधिकारी को देना होगा। स्कूलों में 15 जुलाई से बरसात की छुट्टियां, अभिभावकों और अध्यापकों ने सरकार को चेताया। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मानसून की छुट्टियों पर एक बार फिर से किचकिच के आसार बनने लगे हैं। जून की 8 तारीख बीत गई है, पर अभी तक शिक्षा विभाग मानसून अवकाश पर कोई फैसला नहीं ले पाया है। बुद्धिजीवी और बच्चों की सेहत के लिए चिंतित अभिभावकों ने मांग रखी है कि अवकाश का शेड्यूल बदला जाए। जो छुट्टियां 22 जून से होनी है उन्हें 15 जुलाई से दिया जाए। सबसे ज्यादा बरसात जुलाई और अगस्त में होती है, जिससे बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये मांग हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष लोकेंद्र नेगी ने सरकार से की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह ने हाईकमान को सौंपी चुनाव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में पार्टी हाईकमान को हिमाचल में हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रिपोर्ट सौंपी। प्रदेश में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव जीतकर सरकार को और स्थिर करने में कामयाब हुई कांग्रेस लोकसभा की 4 सीटें हार गई। सांसदीय क्षेत्रों में किन कारणों के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, इसकी जानकारी दोनों नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी। हिमाचल प्रदेश में उमड़ने लगी पर्यटकों की तादाद, होटलों में ऑक्युपेंसी 80 से 90% बढ़ी। देश में आम चुनावों की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी है। मैदानी इलाकों के स्कूलों में इन दिनों छुट्टियां भी है। ऐसे में प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। सीजन पीक पर है और प्रदेश में होटलों में ऑक्युपेंसी 80 से 90% है। शिमला, कसौली, किन्नौर व मनाली में 90% से ज्यादा ऑक्युपेंसी चल रही है। खबर सिरमौर से, कालाम में 2 उद्योगों के गोदामों में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का नुकसान है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाम के मोंगीनंद में शनिवार को 2 कंपनियों के गोदामों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों गोदाम आपस में सटे हुए हैं। मौके पर दमकल विभाग की टीम और कंपनियों के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे रहे। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर बाद इंडोकोस फार्मास्यूटिकल और विशाल पोली पेंट के हाउसिंग बोर्ड मोंगीनंद में स्थापित गोदामों में अचानक आग लग गई। दोनों कंपनियों के गोदाम आसपास है। आग लगने की सूचना मिलती कालाम स्थित दमकल विभाग की चौकी से टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सीएम सुक्खू बोले, ओलंपिक में सोना जीतने वालों को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नई खेल नीति का उद्देश्य खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपए के स्थान पर 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए के स्थान पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों तथा पैरा एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हिमाचल के जंगलों में 4 जगह लगी आग, 20.5 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला जारी है। रात की खबर ये है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में आग की 4 ही घटनाएं दर्ज की गई है।
जिनमें करीब 20.5 हेक्टेयर वन संपदा राख हुई है। शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक चंबा सर्कल में 3 और शिमला में 1 आग की घटना दर्ज की गई। चंबा सर्कल में 17.5 हेक्टेयर और शिमला में 3 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा राख हुई है। राहुल गांधी को बनाया नेता विपक्ष, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारित संस्था कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी नेता राहुल गांधी को सर्वसहमति से लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में कहा गया कि राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को कार्य समिति की बैठक के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कार्य समिति ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने का प्रस्ताव पारित किया और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कार्य समिति ने सर्वसहमति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है और वे संसद में पार्टी के मुद्दों को शिद्दत के साथ उठाने और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 जून से सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि राज्य में 15 जून के बाद प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 1 से 6 जून के दौरान सामान्य से 45% अधिक बारिश दर्ज हुई है। चुनाव में हार जीत की समीक्षा करेगी कांग्रेस, 12 जून को बुलाई विधायक दल की बैठक। लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में हार जीत के कारणों की कांग्रेस पार्टी और सरकार समीक्षा करेंगे। सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए 12 जून को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुला ली है। 4 लोकसभा सीटों पर हार और 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर जीत पर सरकार खुश नहीं है और हर एक पहलू को समझकर समीक्षा की जाएगी, ताकि आने वाले समय में होने वाले 3 उपचुनाव में सरकार मनपाफिक ताकि आने वाले समय में होने वाले 3 उपचुनाव में सरकार मनमाफिक परिणाम हासिल कर सके। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद राज्य सरकार में गतिविधियां जोर पकड़ रही है। नूरपुर में बस ट्रक की टक्कर में ट्रक चालक की मौत, 17 लोग घायल। नूरपुर थाना के तहत पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर डक्की के समीप एक बस व ट्रक में जोरदार टक्कर होने से ट्रक चालक की मौत हो गई है, जबकि बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं बस में सवार 17 लोगों को मामूली चोटें आई है। ट्रक चालक की पहचान सुरेश कुमार निवासी वलेटा पालमपुर के रूप में हुई है। खबर चंबा से, वन विभाग की टीम ने जंगल में आग लगाते रंगे हाथ पकड़ा व्यक्ति, FIR दर्ज। जंगलों में आग लगाकर वन संपदा को नष्ट करने वालों के खिलाफ वन विभाग सख्ती से निपटेगा। इसके लिए वन विभाग की टीम ने कमर कस ली है। बटियार क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को जंगल में आग लगाते रंगे हाथों पकड़ा। उसके खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में FIR दर्ज करवाई गई है। अवैतरीके से उगाए गए अफीम के 8,800 से अधिक पौधे किए नष्ट। कुल्लू पुलिस ने 4 जगहों पर रेड करके अवैतरीके से उगाई गई अफीम के 8,800 से अधिक पौधे नष्ट किए है। इस प्रकरण में पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत 4 मामले दर्ज किए है। हिमाचल में पुलिस कॉन्स्टेबल की 1,226 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉन्स्टेबल के 1,226 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय ने इसके नियम बना लिए थे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी थी। प्रदेश सरकार की ओर से तय नियमों की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले महिलाओं को 25% आरक्षण मिल रहा था। 818 पद पुरुष, 351 महिला कांस्टेबल और 57 पद पुरुष चालकों के भरे जाने हैं। तृतीय श्रेणी की सभी पद सीधी भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोग के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है। ये सभी पद संबंधित जिला के जनसंख्या अनुपात और आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरे जाएंगे।